वेलकम स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। ए प्रॉब्लम्स टेलर्स सीरीज यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ सी द प्रॉब्लम, यूज टेलर सीरीज मेथड टू फाइंड वाई एट एक्स इज गिवन, क्या है इधर 0.1 है, 0.2 है एंड 0.3 है, कंसिडरिंग टर्म्स अप टू द थर्ड डिग्री। गिवन इधर फंक्शन दिया गया है डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, एंड ये कंडीशन क्या है, इनिशियल कंडीशन वाई ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 है। इधर फर्स्ट क्या करें, टेलर सीरीज फॉर्मूला लिखेंगे इधर, ओके। द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ वाई ऑफ एक्स इज गिवन लाइक दिस, वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सो वाई ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट वाई डैश ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट होल स्क्वेयर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इन टू वाई डबल डैश ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट होल क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल y ट्रिपल डैश ऑफ x नॉट प्लस सो ऑन, इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है। नाउ इधर इनिशियल कंडीशन क्या है, ए इनिशियल कंडीशन है, ये हो गया y ऑफ x नॉट इज इक्वल टू ए y नॉट हो गया, x नॉट क्या हो गया इधर 0 हो गया एंड y नॉट क्या हो गया इधर 1 हो गया। इधर फंक्शन क्या है, डिवाइड बाई डी एक्स दैट इज ए y डैश, ओके ये हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। सो कंडीशन क्या है, इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे x नॉट, इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इधर x नॉट को। नाउ y ऑफ x इज इक्वल टू x नॉट 0 सब्स्टिट्यूट किया तो ये आएगा y ऑफ 0 आ गया प्लस इधर 0 हो गया, सिर्फ x बच गया, ठीक है ये हो गया y डैश ऑफ 0 हो गया प्लस इधर x स्क्वेयर है, x स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल y डबल डैश ऑफ 0 हो गया प्लस बाद में ये 0 हो गया, x क्यूब आएगा x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल y ट्रिपल डैश ऑफ 0। सिर्फ थर्ड डिग्री तक ही लेना है, क्वेश्चन में दिया गया है अप टू द टर्म्स ओनली थर्ड डिग्री है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या चाहिए, वी नीड टू कंप्यूट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई डैश ऑफ 0, वाई डबल डैश ऑफ 0 एंड वाई ट्रिपल डैश ऑफ 0, ये वैल्यूज क्या है फाइंड करेंगे। इस इक्वेशन को हम 1 करके मेंशन करेंगे, सो इन वैल्यूज को हम फाइंड करेंगे, ये ऑलरेडी वी हैव वाई ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 है इधर, सो इन 3 वैल्यूज फाइंड करना है। नाउ सो यूजिंग दिस इक्वेशन एफ ऑफ एक्स वाई इज गिवन और वाई डैश इज गिवन हेयर, नाउ y डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर करके है। इधर क्या करेंगे, इनिशियल कंडीशन वैल्यूज इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो ए हो गया y डैश ऑफ 0 हो गया, x बिकम x नॉट 0, y बिकम y नॉट, सॉरी x नॉट स्क्वेयर y नॉट स्क्वेयर हो गया। इधर x नॉट क्या है 0 है, 0 स्क्वेयर हो गया प्लस y नॉट क्या है 1 है, सो 1 स्क्वेयर है, ये हो गया 1 आ गया, y डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू हमको 1 आ गया। बाद में y डबल डैश y ट्रिपल डैश फाइंड करेंगे, सो ये y डैश है, इसको और एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, सो y डैश डिफरेंस किए तो विद रिस्पेक्ट टू x किया तो ये y डबल डैश आएगा, x स्क्वायर डिफरेंस किए तो ये 2x आएगा प्लस y स्क्वायर को हम डिफरेंशिएट करेंगे, y स्क्वायर को किया तो 2y बाद में y को डिफरेंशिएट को y डैश आ जाएगा, ठीक है। नाउ बाद में सो y डबल डैश ऑफ 0 इक्वल टू 2 इंटू x नॉट है, x नॉट क्या है इधर 0 है, इधर इधर 0 लिखेंगे इंटू प्लस वाई है, सो वाई को क्या लिखेंगे हम वाई ऑफ 0 करके लेंगे, वाई ऑफ 0 क्या है इधर 1 आएगा, सो दैट इज ए 1। बाद में वाई डैश है, वाई डैश ऑफ 0 क्या है इसका वैल्यू आएगा ए 1 हो गया, सो ए आएगा आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। नाउ बाद में वाई ट्रिपल डैश है, वाई ट्रिपल डैश अगेन डिफरेंशिएट दिस वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेरिएबल, 2x डिफरेंस किए तो 2 आएगा प्लस, सो 2 बाहर लेंगे, y इंटू वाई डैश इधर प्रोडक्ट फंक्शन यूज करना है, इधर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। नाउ सो y को ऐसे लिखेंगे, y डैश को डिफरेंशिएट किए तो y डबल डैश आएगा प्लस a y डैश को ऐसे लिखेंगे, y को डिफरेंशिएट किए तो वन मोर y डैश आ जाएगा, y डैश इंटू y डैश होल स्क्वायर आ जाएगा, इस तरह आएगा, ठीक है। नाउ सो y ट्रिपल डैश ऑफ 0 किया तो 2 तो 2 रहेगा, बाद में ये 2 बाहर ऐसे रहेगा, y मतलब y ऑफ 0 ये 1 होगा, y डबल डैश ऑफ 0 मतलब ये वैल्यू आएगा प्लस y डैश क्या है इधर 1 है, y डैश स्क्वायर किया तो 1 स्क्वायर आएगा, सो y ट्रिपल डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू ये होगा 2, 2 प्लस 1 3, 1 स्क्वायर इज 1, 3 3 इंटू 2 6 होगा, 6 प्लस 2 ए 8 हो जाएगा। सो ये वैल्यूज, यही वैल्यूज को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करना है। इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स
y ऑफ x इज इक्वल टू y ऑफ 0, वैल्यू क्या है इधर 1 है, प्लस इधर 1 है, y ऑफ 0 का वैल्यू क्या है, यही आएगा 1 है, बाद में x है, x इंटू वाई डैश ऑफ 0, वाई डैश ऑफ 0 इज क्या है इधर 1 है, प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, एंड वाई डबल डैश ऑफ 0 क्या है इधर 2 है, सो 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल में से 1 इंटू 2, 2 2 ही आएगा, ओके, प्लस बाद में वाई ट्रिपल डैश ऑफ 0, एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोर, वाई ट्रिपल डैश वैल्यू लिखेंगे 8 इंटू वाई एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, 1 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज 6 हो गया. नाउ देयरफॉर y ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस इधर 2 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस इधर क्या आएगा 2 4 2 4 8 2 3 6, सो टू सॉरी 4x³/3 आएगा. ओके, हमको y ऑफ x मिल गया. इधर क्या पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y एट x इज 0.1 0.2 0.3, x के जगह में 0.1 0.2 0.3 वैल्यू डालना है. हमको अलग अलग तीन आंसर मिलेंगे. इधर हमको सिर्फ क्या मिल गया, इधर x वैल्यू y ऑफ x मिल गया इधर. नाउ एट नाउ यू पुट x इज इक्वल टू 0.1, उसके बाद 0.2 करना है, उसके बाद 0.23 करना है इधर. नाउ वन बाय वन पुट x इज इक्वल टू 1 करना है, सॉरी 1 पुट x इज इक्वल टू 0.1 सब्स्टिट्यूट करना है, दैट इज इक्वल टू इस इक्वेशन में करना है 1 प्लस 0.1 प्लस 0.1 होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0.1 होल क्यूब बाय 3. ओके, दैट इज इक्वल टू आंसर आएगा 1.1113 आएगा. ठीक है, बाद में टेक एक्स इज इक्वल टू 0.2 इस इक्वेशन में डालना है, 1 प्लस 0.2 प्लस 0.2 होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0.2 होल क्यूब बाय 3, सो दैट इज इक्वल टू 1.2507 आ जाएगा. देन एक्स इज ए 0.3 लेना है, सो दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 0.3 इस इक्वेशन में डालना है, 0.3 होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0.3 होल क्यूब बाय 3, दैट इज इक्वल टू 1.426. इस तरह एक्स वैल्यू 0.1 0.2 0.3 डाले तो अलग अलग आंसर आएंगे. अगर आप वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स भी दीजिए. सब्सक्राइब किया तो आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा. आपको दूसरी वीडियो चाहिए तो मेरे यूट्यूब के प्लेस में जाइए, और आई बटन में भी कुछ लिंक्स है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.